अस्सलाम क्लास, कैसे हैं आप सब? खेलते हैं कल? उम्मीद करता हूँ कि कल जैसे मुझे क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 के वो समझ आ गए होंगे और आपने अपना रिलेवेंट वर्क भी कर लिया होगा। क्या आज क्वेश्चन नंबर 3 में ये मेथड सबसे ज्यादा मुश्किल मेथड है? मैं पहले से बता रहा हूँ कि आप मेरी तौर पे तैयार हो जाए ना, कि कौन सा हो कंपटीशन के। मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैं करवाऊंगा आज, क्वेश्चन नंबर 3 आप करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करवाऊंगा। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 जब मैं करवाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 4 वैसा हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो जाएगा। तो हम इस पे कुछ दिन लगाएं और ये हम जो है बड़े ध्यान से समझ के करेंगे। आप लोगों से बच्चे की रिक्वेस्ट है कि इस बच्चे को यहाँ से जो शख्स समझ नहीं आएगा बेटा, वो लाजमी मुझसे कंसल्ट करेगा व्हाट्सएप पे। आप जानते हैं कि मेरा नंबर दे सकते हैं कॉल करके, आप सर एम का नंबर दे दें, वो आपको नंबर मेरा सेंड कर देंगे। आप मुझे कॉल करने से पहले प्लीज एक मैसेज करके अपना नंबर बता दीजिएगा, नाम बता दीजिएगा। अनुन नंबर से ज़्यादा ज़्यादा सीव नहीं करता है। तो जिस बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो चाहे हमें इसे पूछे, सर हम इसका नंबर दे दें, हमें मैसेज वालों से पूछना है, आपको नंबर से सेंड करेंगे। आपको प्लीज मेरे व्हाट्सएप पे मुझे एक मैसेज लिखकर अपना नाम लिखकर छोड़ देना है और बिल्डिंग का रेफरेंस दे देना है बेटा। देन मैं फिर खुद आपको कॉल कर लूँगा जैसे मीटिंग होगा, और आपकी जो बात होगी वही करना चाहे वीडियो कॉल करके चाहे ऑडियो कॉल करके मैं आपको ब्रीफ कर दिया करूँगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। आप देखिएगा 7x का स्क्वायर है प्लस 2x है -1 इज इक्वल टू 0। मैंने ये कहा कि क्वेश्चन तीनों मेथड में, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और आगे फॉर्मूला आ जाएगा वो मेथड में सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मेथड है। बेटा मेथड कोई भी हो, जब हम नया करते हैं तो हमको पता वो डिफिकल्टी होता है, लेकिन हम कर लेते हैं तो और समझ आ जाती है तो वो बहुत ज्यादा काम हो जाता है। इसी तरीके से ये है, ये सबसे पूरा 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है, 5 स्टेप्स में सॉल्व होता है। सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है, हमेशा करना है, वो स्टेप 1 है। यहाँ पे लिखो स्टेप 1 में हमेशा आपने ये कॉन्स्टेंट को इस साइड पर लेकर करना। यू करेंगे आप स्टेप 7 का स्क्वायर है प्लस 2x इज इक्वल टू -1 उधर जाएगा, फिर प्लस 1 होता है, ये स्टेप 1 हो गया। देन स्टेप 2 में आपने क्या करना है, जो फर्स्ट एक्स के स्क्वायर के साथ कॉफिशिएंट लगाया गया है सबको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ लिख दें इसे डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड, तो 7x का स्क्वायर ओवर 7 प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। टिकट में आप यानी कि आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने इस बात का ध्यान ये रखना है कि आपने हर सूरत फर्स्ट कॉफिशियंट को एक्स स्क्वायर को अलग करना है, आपने एक्स स्क्वायर को आपने अलग करना है। तो आप क्या करेंगे, आपने जब ये अलग कर लिया तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगी ये एक्स का स्क्वायर प्लस 2x ओवर 7 इज इक्वल टू 1 ओवर 7। हम आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या है, मैं आपको तो की बड़ी बात समझाता हूँ आपको। कंप्लीटिंग स्क्वायर से मुराद ए प्लस बी ए होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर दस। लेकिन यार हम इस सबसे जो आते हैं क्यों कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जा सकता है, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर कहा जाता है कि इसमें हमारे पास बी की वैल्यू होती है जब हिडन रेट में हिडन होती है, लेकिन बी होता ही नहीं हमारे पास। कि देखो ए का स्क्वायर है 2ab है ना, बी का स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, और हम थोड़ा सा रफा करके थोड़ी सी मेहनत करके थोड़ा सा जतन करके हम बी फाइंड करते हैं किसी के ही में, कैसे यू आपकी फॉर्मूले के अंदर आपका जो ए स्केयर है इसको बी की वैल्यू खुद को ए स्केयर क्या है एक्स का स्केयर प्लस 2 फॉर्मूले का नहीं आना, ए क्या है आपके पास खुद कर लो। अब जरा कंपेयर करो, ये 2x है ना, उसका 2x ये भी x बन गया। बी क्या है यहाँ का, हमने जो 2x सॉल्व किया है वो 2x ओवर 7 आ रहा है, 2x ओवर 7 आ रहा है। कैसे आप क्या 2x ओवर 7, जैसे हम फॉर्मूले में जब पुट करते हैं ना ए की वैल्यू को, तो ए की फॉर्मूले का जो ए आ गया बी क्या है, तो बी मुझे समझ में आती है बी एक्स के वन ओवर 7 का, अब मल्टीप्लाई करूंगा 2 1 का 2x ओवर 7, 2x ओवर 7 बन गया। तो मेरा एक्चुअल मीनिंग क्या है 1 ओवर 7, तो 1 ओवर 7 मेरा क्या है एक्चुअल बी का स्क्वायर है, सही है। तो मैंने यहाँ ऐसे लिखे छोटा सा रकम बनाना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी करना है, और उसमें ए स्क्वायर की जगह स्क्वायर की वैल्यू लगाऊंगा, क्योंकि जगह फॉर्मूले का जगह ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, बी लगूंगी के
न्यूटन का सामने में आ जाएगा बी क्या है, उस बी को मैं सेपरेटली अप्लाई करूंगा फॉर्मूले में और प्लस मेरे पास बी का स्क्वायर आ जाएगा, मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। किसी पार्ट कंप्लीट स्क्वायर ये कभी स्क्वायर कर लिया आपने। अच्छा एक बात हो गई कि क्वेश्चन में भाई सवाल दूसरी साइड में वालों का डाला जा रहा है, तो बट ये बात मैं कहते हैं कि हर सवाल में ऐसे होता है जो होगा ऐड दे रही है सारी बात है, ऐसा कुछ नहीं पाई जाना वालों का डाला जा रहा है, ऐसा हर दफा नहीं होगा। आपने अपना बी खुद से पॉइंट करना है, जो पॉइंट करेंगे उसके बाद आप यहाँ पे यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थ्री पे पॉइंट कर लिया आपको आपका बी बन कर तो स्टेप थ्री लिखेंगे यहाँ पे एडिंग बाय एडिंग 1/7 का होल स्क्वायर, ये इस तरह से मैं लगा दूंगा 1/7 दोनों साइड पे मेरा कंप्लीट स्क्वायर पूरा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे दूंगा ऑन बोथ साइड, आपको पता है कि इसको ऐड दो साइड पे किया जाता है, लेफ्ट दो साइड पे किया जाता है, मल्टीप्लाई करवाना दोनों साइड पे करवाना, डिवाइड करवाया था दोनों सर्वे करवाना अंदर करवाया, तो भाई एडिंग 1/7 का स्क्वायर ऑन बोथ साइड मैं कर लिया। ये करने के बाद मैंने क्या किया, इसमें लिखा एक्स का स्क्वायर प्लस 2x/7 ये भी पूरा था प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 का होल स्क्वायर। नाउ स्टेप 4 मैं फॉर्मूला क्लोज करना है, ये फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, तो मैं यूनिट सेट ऑफ एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर डिटल स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर फॉर्मूला बंद कर दिया तो क्या बना a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/7 प्लस 1/49 इसको एलसीएम लेके इक्वल करूंगा 7 आप 7 से मल्टीप्लाई दोनों साइड पे करवा दो x प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस 1/49 ठीक है। अब आपके पास जो क्वेश्चन आया वो आया x प्लस 1/7 का उसके रिजिकल टू 8/49। नाउ स्टेप 5 है आपके पास, मेरे पास फिर थोड़ी खत्म हो गई है, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपके मसला ना बने आप नजर आता रहे। अब स्टेप 5 की तरह हमारे फाइंडिंग का वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करते हैं। आपने लिखा x प्लस 1/7 का उसके रिजिकल टू 8/49 बाई टेकिंग एक्स क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। अब आप स्क्वायर लेंगे एक्स प्लस 1/7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/49 बस क्यूब ये कट गया, आपके पास बचा एक्स प्लस 1/7 इज इक्वल टू 8 का क्यूब 8 के फैक्टर में आए 2 2 4 8 2 2 4 2 2 ये स्क्वायर आ गया इस तरीके से 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 ओवर ऐसे कर लें इसको थोड़ा लंबा कर लें एक्सेप्ट कर देता हूँ आप सबके लिए काफी सही आ जाए 7 का। अब देखिए स्क्वायर उससे क्या कट सकता वो कारण ये 2 का गया ये 7 का गया तो 2 प्लस माइनस में अंडर रूट सॉल्व हो जाता है बेटा, तो प्लस माइनस लग जाता है याद रखना बात अंदर मिला गया ओवर 7 भी सॉल्व हो गया ऐसे ये प्लस 7 बराबर 7 ये उधर जाएगा एक्स इज इक्वल टू यहाँ तक उधर जाएगा प्लस 1/7 इधर डन हो माइनस 1/7 ठीक है जी यूं आएगा ये प्लस माइनस टू अंडर 2/7 डिनोमिनेटर सेम है एक डिनोमिनेटर पे जितने एक्स इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 2/7 मैं तो जरा नहीं करके नहीं देखो माइनस 1/7 प्लस माइनस 2/7 ये आपका आंसर है ठीक है। कल इंशाल्लाह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 करवाना है और आपने करना है आज क्वेश्चन नंबर 3 आपका सिर्फ होमवर्क है एक क्वेश्चन सेम मेथड से मैं रिपीट कर देता हूँ सारा क्वेश्चन आपके सामने है। क्लीडिंग से आप क्वेश्चन 5 स्टेप से सॉल्व होता है। नंबर 1 पहला स्टेप ये है कि आप कॉन्स्टेंट को लेके जा रहे हैं। स्टेप नंबर 2 ये है कि आपने डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट कॉन्स्टेंट के साथ सबको आपका एक रहना हो जाता है खत्म हो जाता है। फिर हम स्टेप 3 में आते हैं अपना बी ढूंढना है आपको फॉर्मूला को करके ए प्लस बी का स्क्वायर का ए का स्क्वायर की जगह ए आपका आंसर आ जाएगा प्लस 2 आपका फॉर्मूले का ए जो आपने खुद किया था वही आ जाएगा। इतना करने से बी आपका खुद ही निकालेगा जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज बननी चाहिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 x/7 टू एक्स ओवर 7 बन गई। आपको पता चला कि 1/7 इधर है लेकिन टूटिया है हमें नजर नहीं आता आप उसको सेलेक्ट करके 1/7 का ऑप्शन ले लिया। अब आपने वही दोनों साइडों में ऐड कर दी जो नहीं था
ये गति करेंगे स्टेज पूरा हो जाएगा, कंप्लीट स्टेज हो जाएगा स्टेप फोर, और इधर आप एक निकाल देंगे। ये आ गया एक्स का घन ओवर सेवन स्क्वायर ओवर 49। अब इसका स्टेप फाइव ये लेना है कि आपने टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड करना है, स्केयर रूट बोथ साइड करेंगे स्केयर रूट स्केयर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। अब कॉजर से जा रहे हैं फैक्टर पे आए, जो स्केयर रूट से कटेंगे वो बाहर आ जाएंगे, जब से बाहर आएगा स्केयर रूट कॉल होगा प्लस माइनस आ जाएगा, ये प्लस वन ओवर सेवन है ये उस साइड में जाएगा, माइनस वन ओवर सेवन हो जाएगा, प्लस माइनस टू पॉइंट टू ओवर सेवन, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 77% में डिनोमिनेटर सेम आएंगे। आप आपने एक डिनोमिनेटर में पूरा कथन लिख लेना है अपना आंसर जो होगा, बस इतना था काम है, एक मिनट के लिए मतलब समझ हो रहा हूँ, आपने क्वेश्चन को नोट करना है बेटा। एंड सर ये बेटा रिजिक्स आपका क्वेश्चन हो रहे हैं वो अभी मुझे बोर्ड की जरूरत नहीं पेश आ रही है, उसमें अभी स्टार्ट है और मेरे क्वेश्चन को मार्क करवा दें आप लोगों को, मैं कल या परसों में कोशिश करूंगा कि एक आधा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला जो माइनस एक वाला फर्स्ट मैंने छुड़वाया था आपको, वो मैं कल स्क्रीन शेयर करूंगा या परसों में आपका एक लेक्चर बनाकर वो भी पोस्ट कर दूंगा, और जैसे जैसे मुझे फिजिक्स में बोर्ड की जरूरत पड़ी डेरिवेशन होंगे या हमारी मेडिकल बोर्ड या कोई बात हमारी एक्सप्लेनेशन से आगे डैम्प ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने कहा था वो क्वेश्चन आपको जरूर बोर्ड पे करवाऊंगा, बाकी मुझे दूसरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने क्वेश्चन आपको मार्क करवाने होंगे, डेफिनेशन मैंने मार्क करानी होगी, तो उसके लिए आपने बड़े किया परेशान बेटा बिल्कुल नहीं। मैं गेम ये रिक्स करूंगा जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा व्हाट्सएप का नंबर चांस सेलेक्ट करें और मुझे अपने नाम के साथ कैडरी डायरेक्टर से व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं सबको कॉन्टेक्ट करूंगा। ले बेटा उम्मीद करता हूँ आज का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, अल्लाह सबको तो मान रखें, अल्लाह हाफिज़।